हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज डेट है 5 फरवरी 2022, बसंत पंचमी का दिन है। पहले तो आप सभी को हैप्पी बसंत पंचमी। सरस्वती माता की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप सब कामयाब हो सके अपनी अपनी जॉब में, सिलेक्शन ले सके, और आज का ये स्पेशल दिन आप सबके लिए मंगलमय हो। ओके फ्रेंड्स, तो आइए जो आज के नोटिस जी ट्रिपल एस बी के द्वारा अपडेट किए गए हैं वो हम देख लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आज जी ट्रिपल एस बी की ऑफिशियल वेबसाइट थोड़ी बहुत रनिंग कर रही है। इसका सर्वर आज डाउन नहीं है और हो सकता है आज शाम तक पीजीटी की जो वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आने वाला था, तो टीचिंग जॉब की इन वैकेंसीज का 2022 की इन न्यू रिक्रूटमेंट का नोटिस आपको देखने को मिल सकता है। और साथ ही फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं कि डी ट्रिपल एस बी की ऑफिशियल वेबसाइट ही इस मैप पर हम विजिट कर रहे हैं और यहाँ पर आज 5 नोटिस नए जारी किए गए हैं डी ट्रिपल एस बी के द्वारा। तो चलिए एक एक करके हम इनको देख लेते हैं। और फ्रेंड्स, एक कैंडिडेट है जिन्होंने कई बार हमसे पूछा है पंजाबी टीजीटी फीमेल के पोस्ट कोड के रिगार्डिंग, तो फ्रेंड्स हमने इसकी वीडियो भी अपलोड की हुई है चैनल पर और आप लोगों का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं डी ट्रिपल एस बी की ऑफिशियल वेबसाइट को इस मैप पर हम विजिट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिएगा, 4 फरवरी 2022 की डेट यहाँ पर मेंशन की गई है। बट फ्रेंड्स, कल शाम तक जब तक हमने वीडियो अपलोड की ये नोटिस वेबसाइट पर अपलोड नहीं था, तो हो सकता है इसको देर रात में रिलीज किया गया हो या फिर आज 5 फरवरी में ही इसको रिलीज किया गया है। तो नोटिस हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ई डोजियर को अपलोड करने के रिगार्डिंग नोटिस है और आप लोग देख सकते हैं पोस्ट कोड है 8/21, ठीक है, 8/21 पोस्ट कोड है ये, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। इनको ये फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दी गई है 4 फरवरी 2022 से लेकर के 13 फरवरी 2022 तक का गिवन टाइम पीरियड आपका ये है, और ये आपको जो डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट है ये फ्रेंड्स आपको ईडोजियर पर अपलोड करने हैं। तो कौन से डॉक्यूमेंट है ये देखिए, रिक्वायर्ड रिमार्क्स में आपके ये बता दिए गए हैं, रोल नंबर आपका यहाँ पर दे दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान से चेक कीजिएगा, जो भी यहाँ पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड कर दीजिएगा आपको, क्योंकि फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, टाइम पीरियड आपका ये बता दिया गया है। ईडोजियर का लिंक आपका एक्टिव रहेगा फ्रेंड्स 4 फरवरी 2022 से लेकर के 13 फरवरी 2022 तक। ओके, तो आप इसे जल्द से जल्द अपलोड कर दीजिएगा। देखिए, सिर्फ एक ही कैंडिडेट के लिए भी जो अगर कोई डेफिशिएंसी मिलती है तो भी डी ट्रिपल एस बी कैंडिडेट को इन्फॉर्मेशन जरूर देता है, ठीक है। तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहिएगा, और अगर ऑफिशियल वेबसाइट आपकी ओपन नहीं हो रही है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि लेटेस्ट जो भी अपडेट होती है हम सबसे पहले आप लोगों के लिए लेकर भी आते हैं, ताकि किसी कैंडिडेट का कोई लॉस ना हो सके और टाइम रहते आप अपने ई डोजियर को अपलोड भी कर सके ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए नेक्स्ट नोटिस को हम देख लेते हैं, और ये नोटिस है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिएगा पोस्ट है ये टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर, पोस्ट कोड है 115/20, और यहाँ पर भी ये ई डोजियर के रिगार्डिंग ही है। जो डेफिशिएंसी यहाँ पर मिली है वो आपकी बता दी गई है, और ये 20 कैंडिडेट है जिनको की ये फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दी जा रही है 4 फरवरी से लेकर के 13 फरवरी 2022 तक का टाइम आप लोगों को दिया गया है। और जो आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, जो आपके डेफिशिएंट यानी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो भी है फ्रेंड्स, ये रिमार्क्स में आपके बता दिए गए हैं, रोल नंबर्स आपके यहाँ पर दे दिए गए हैं। तो 20 कैंडिडेट है, और रोल नंबर के ठीक सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी आपकी डेफिशिएंसी है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो बता दिए गए हैं, ठीक है। और इनमें आपको ऑप्शन भी दी गई है कि अगर आपके पास ये वाले ऊपर वाले डॉक्यूमेंट नहीं भी है तो आप ये नीचे वाले डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। और आपका जो ईडोजियर का लिंक है ये देखिए एक्टिव रहेगा यहाँ पर 10 डेज के लिए, 4 फरवरी से लेकर के 13 फरवरी तक का समय आपको दिया गया है। नेक्स्ट नोटिस हम देख लेते हैं। और फ्रेंड्स, ये नोटिस है जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस, पोस्ट कोड है 110/20। तो फ्रेंड्स, ये जो कैंडिडेट है इस पोस्ट कोड के, इनके जो ईडोजियर में है वो कुछ कमी पाई गई है, जो डॉक्यूमेंट है इनके कम मिले हैं, और अब जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। ये 3 कैंडिडेट यहाँ पर दिए गए हैं, ये अपॉर्चुनिटी इनको फर्स्ट दी जा रही है, टाइम पीरियड आपका 4 फरवरी 2022 से लेकर के 13 फरवरी तक का गिवन टाइम पीरियड आपको ये दिया गया है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आप ये रिमार्क्स में देख सकते हैं, रोल नंबर आपके इस कॉलम में यहाँ पर दे दिए गए हैं, और रोल नंबर के ठीक सामने फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आपके जो भी रिक्वायर
रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो बता दिए गए हैं। अगर ऊपर वाले डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आपको सेकंड ऑप्शन भी यहाँ पर दी गई है, और वाली ऑप्शन को आप जरूर चेक कीजिएगा। और ये तीन ही कैंडिडेट हैं यहाँ पर जिनको कि ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, तो कोशिश कीजिएगा कि सेकंड रिकॉल आपको न आ सके। ईडोजर का लिंक आपका एक्टिवेट रहेगा फ्रेंड्स 4 फरवरी 2022 से लेकर के 13 फरवरी 2022 तक, और ये नोटिस है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट सिविल के लिए। पोस्ट कोड है यहाँ पर 3/21। इनका ईडोजर को जो अपलोड करने का टाइम था 13 जनवरी 2022 से लेकर के 27 जनवरी 2022 तक का था, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद जिन कैंडिडेट ने ईडोजर को अपलोड कर दिया तो फ्रेंड्स यहाँ पर उनकी कुछ डेफिशिएंसी मिली है, कुछ उनके डॉक्यूमेंट में कमी पाई गई है, तो उनकी जो भी अब रिक्वायरमेंट है, जो भी नए डॉक्यूमेंट आपके मांगे जा रहे हैं वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। आपको ये फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दी जा रही है 4 फरवरी 2022 से लेकर के 13 फरवरी 2022 तक का समय आपको अपलोड करने के लिए दिया जा रहा है, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपके DSSB ने बताए हैं, ठीक है। जो भी आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो आपके रोल नंबर के ठीक सामने आपको बता दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो इन डॉक्यूमेंट को जल्द से जल्द अपलोड कीजिएगा। ईडोजर का लिंक आपका एक्टिव रहेगा यहाँ पर 10 डेज के लिए, 4 फरवरी 2022 से लेकर के 13 फरवरी 2022 तक का समय आपको दिया गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट नोटिस को अब हम देख लेते हैं। ये नोटिस है यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट इंटीरियर डिजाइन, ठीक है। ये पोस्ट कोड है 5/21, और इनका जो ईडोजर फिलअप किया गया था 13 जनवरी 2022 से लेकर के 27 जनवरी 2022, 27 जनवरी 2022 तक का समय इनको दिया गया था। लेकिन यहाँ पर कुछ कैंडिडेट हैं जिनकी डेफिशिएंसी मिली है, इनको ईडोजियर दोबारा से अपलोड करने के लिए समय दिया जा रहा है, अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। जो भी इनके डेफिशिएंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसके लिए फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आपको 4 फरवरी 2022 से लेकर के 13 फरवरी 2022 तक दी जा रही है। आपकी जिन भी डॉक्यूमेंट की कमी पाई गई है उसको आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आपका जो देखिए रोल नंबर यहाँ बता दिया गया है, डॉक्यूमेंट जो आपके रिक्वायर्ड है, जो आपको अपलोड करने हैं, वो आपके यहाँ आपके रोल नंबर के ठीक सामने बता दिए गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये ऊपर वाले डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप और की ऑप्शन को जरूर चेक कीजिएगा, ये वाले भी आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और आपका जो लिंक है ईडोजर का वो एक्टिव रहेगा यहाँ पर 10 डेज के लिए, 4 फरवरी 2022 से लेकर के 13 फरवरी 2022 तक का समय आप लोगों को दिया गया है। आइए फ्रेंड्स, अब लास्ट का एक नोटिस और हमारा रहता है उसको और हम चेक कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, ये नोटिस आपका परसों में यानी 3 फरवरी को इसको रिलीज किया गया था। हिंदी ट्रांसलेटर कम असिस्टेंट इन DTC, पोस्ट कोड है 15/20 और नोटिस नंबर है 108। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्योंकि ये फाइनल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कैंडिडेट को, इसलिए यहाँ पर हमने इसको दोबारा से आप लोगों को रिमाइंडर कराया है, क्योंकि आपका जो समय है वो 7 फरवरी तक का यहाँ पर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये दो कैंडिडेट है जिनको की ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर बोले गए हैं अपलोड करने के लिए, और आपकी ये फाइनल अपॉर्चुनिटी है, इस चीज का ध्यान रखेगा। इसके बाद आपको DSSB के द्वारा कोई चांस नहीं दिया जाएगा, तो इन डॉक्यूमेंट को आप जल्द से जल्द फ्रेंड्स 7 फरवरी तक अपलोड कर दीजिएगा। आज है 5 फरवरी और आपके पास 2 दिन तक का समय है। अगर आपके ये डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुए तो आपका कैंडिडेचर रद्द किया जा सकता है, रिजेक्ट किया जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो DSSB के द्वारा जो भी लेटेस्ट अपडेट आज वेबसाइट पर जारी की गई थी वो सब आज की इस वीडियो में हमने आपके साथ शेयर कर दी है। और फ्रेंड्स, शाम तक जो भी कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी, चाहे वह रिजल्ट के ईडोजर के रिगार्डिंग है या फिर रिक्रूटमेंट का न्यू नोटिस है, तो हम आपके साथ सबसे पहले शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हर प्रकार की लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर प्रकार की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। ओके फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।